तो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सब? उम्मीद कर दूं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आ गए एक और नई लेटेस्ट वीडियो के साथ में, और ये वाला वीडियो भाई बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर और भाई सच में यार ओवर पावर वीडियो है। और आपको पता होगा कि भाई जो फोर्थ एनिवर्सरी का इवेंट आया भाई, उसका भी एक मिस्ट्री शॉप आया है, यानी कि इंडिया सर्वर के अंदर या फिर हर सर्वर के अंदर पहले भी एक मिस्ट्री शॉप आया था, और उसके मतलब थोड़े दिनों बाद फिर से एक और मिस्ट्री शॉप आया। और आपको ये पता होगा कि भाई जो इंडिया सर्वर का मिस्ट्री शॉप आता है वो इतना अच्छा नहीं आता है, लेकिन दूसरे सर्वर का जो मिस्ट्री शॉप आता है वो भाई यार क्या ही मिस्ट्री शॉप आता है। तो पिछला वीडियो आपने एक और मेरा देखा होगा जहाँ पर मैंने एक और बढ़िया मिस्ट्री शॉप के बारे में बताया था, तो भाई वो वाला था नॉर्थ अमेरिका सर्वर का मिस्ट्री शॉप, और ये भी भाई नॉर्थ अमेरिका सर्वर का मिस्ट्री शॉप है। लेकिन भाई इस बार आपको पता होगा कि भाई मिस्ट्री शॉप के अंदर जो रेंज होती है वो होती 90% ऑफ की। तो इस बार जो मेरा यहाँ पर ऑफ आया है मिस्ट्री शॉप के अंदर वो आया है टोटल 90% ऑफ। लेकिन भाई इस बार का भाई मिस्ट्री शॉप सारा इमोट और बंडल से भरा पड़ा हुआ है, और एकदम रेयर से रेयर इमोट वगैरह। और आपको पता होगा कि भाई जो लोकेश गेमर का बंडल है वो कितना ज़्यादा रेयर है, और भाई आलोक भी आपको पता है कि आलोक का जो प्राइस है वो भाई कितना ज़्यादा महंगा है। लेकिन भाई यहाँ पर बात करें आलोक वगैरह भाई इतने ज़्यादा सस्ते में मिल रहे, यानी कि फ्री फायर के सबसे अच्छे अच्छे करेक्टर वगैरह भाई इधर बहुत ही ज़्यादा सस्ते में मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा यार एक बढ़िया सा वीडियो बनाते हैं, तो चलो फिर भाइयों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले अपन यहाँ पर चलते हैं मिस्ट्री शॉप के अंदर। तो भाई ये रही भाई अपनी मिस्ट्री शॉप, और आप मेरी जो मिस्ट्री शॉप देखोगे यहाँ पर भाई, यहाँ पर लक है मेरा 90% ऑफ, और जो 90% ऑफ है भाई उतने में भाई कितनी ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं। तो इधर देखोगे 90% ऑफ है मेरा, लेकिन भाई यहाँ पर देखोगे लोकेश गेमर वाला बंडल ओनली 149 डायमंड में अपन को मिल रहा है, और उसी के साथ में भाई ये वाला इमोट आप देख सकते हो भाई 49 डायमंड में मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे इस वाले मिस्ट्री शॉप, यानी जो नॉर्थ अमेरिका सर्वर का मिस्ट्री शॉप आता है भाई, उसके अंदर आपको करेक्टर बंडल और इमोट के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो जो ड्रैकी पैट है वो 49 डायमंड में दिया जा रहा है, और ये वाला बैकपैक भाई यहाँ पर देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा रेयर बैकपैक है, जो कि अब इंडिया सर्वर के अंदर भी आ चुका है, तो अब ये रेयर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यार बहुत ही बढ़िया बैकपैक है। और उसके साथ में अगर अपन यहाँ पर दूसरे स्लॉट के अंदर चलेंगे तो इधर भी आप यहाँ पर एक से बढ़कर एक चीज़ें वगैरह देखोगे भाई, कितने ज़्यादा सस्ते सस्ते बंडल मिल रहे हैं यार, 149 डायमंड में यार बंडल, अरे भाई। और इधर देखोगे अपना आलोक करेक्टर भाई 59 डायमंड में दिया जा रहा है, और ये वाला भाई भांगड़ा इमोट देखोगे भाई कितने डायमंड में दिया जा रहा है यार, 49 डायमंड में। और भाई ग्लोबल तो देखो भाई, आप यहाँ पर ग्लोबल देखो भाई 59 डायमंड में यहाँ पर ग्लोबल दी जा रही है, लेकिन भाई यहाँ पर नज़दीक से देखोगे तो इसी के साथ में अपन को भाई ग्रेनेड का स्किन भी दिया जाएगा यार, भाई कसम से मतलब कितनी ज़्यादा रेयर मिस्ट्री शॉप है। तो भाई आप यहाँ पर सबसे पहले मिस्ट्री शॉप देख लो, क्योंकि भाई अपन यहाँ पर फटाफट से परचेस करेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर सारा मिस्ट्री शॉप देख लिया, तो अपन यहाँ पर पहले स्लॉट से यहाँ पर परचेस करना स्टार्ट करेंगे, और एक एक करके अपन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर परचेस करेंगे। तो सबसे पहले अपना आता है भाई लोकेश गेमर का बंडल, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर लोकेश गेमर के बंडल को परचेस करते हैं। तो चलो अपन यहाँ पर लोकेश गेमर के बंडल को भी परचेस कर लिया। अब अपना यहाँ पर आता है ये वाला इमोट, तो अपन इस वाले इमोट को भी परचेस कर ली, तो चलो अपन ने इस वाले इमोट को भी परचेस कर लिया। तो भाई नीचे अपने को क्या देखने को मिलता है, तो नीचे अपन यहाँ पर ये वाला बैकपैक भी परचेस कर लेते हैं, तो ये वाला बैकपैक भी मैंने परचेस कर लिया। लेकिन भाई आप ना वीडियो के एंड में मतलब थोड़ा वेट करना, मैं सारा कुछ बताऊंगा कि मैंने क्या क्या परचेस किया, मतलब सब कुछ पहन के दिखाऊंगा। तो अभी के लिए अपन यहाँ पर चलेंगे दूसरे स्लॉट पे, और दूसरे स्लॉट पे अपन यहाँ पर कुछ परचेस करेंगे कि भाई यहाँ पर क्या क्या है। तो दूसरे स्लॉट पर भाई अपना इमोट कहाँ गया भाई, भांगड़ा इमोट, अरे भाई भाई भांगड़ा इमोट भाई कितना यहाँ पर दिख रहा हो, कितना दिख रहा है भाई, 4 डायमंड का यार, मतलब सच में यार, अरे भाई भाई कोई गिले चाहिए। देखो भाई यहाँ पर देखो भाई कितनी खतरनाक गिले चाहिए, मतलब यहाँ पर 0 हटा दिया, 9 हटा दिया यहाँ का, देखो भाई 4-4 डायमंड शो कर रहा है भाई, देख सकते हो भाई कितनी ज़्यादा बड़ी गिले छो गई यार। तो चलो अपन यहाँ पर सबसे पहले भांगड़ा इमोट यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं। ओके, तो भाई अपन यहाँ पर भांगड़ा इमोट एक्सचेंज कर लिया, और अब अपना यहाँ पर आता है आलोक भैया, सबका फेवरेट वन एंड ओनली आलोक। लेकिन अपन इस वीडियो में आलोक परचेस नहीं करने वाले, अपन करेंगे स्काइलर, क्योंकि भाई आलोक को तो मतलब बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया है, तो आपको यार ये पसंद नहीं आएगा कि भाई मैंने आलोक ले लिया। तो अपन यहाँ पर सबसे पहले करेंगे ग्लूबॉल को मतलब परचेस, तो अपन ने ये वाली ग्लू बॉल को भी परचेस कर लिया। अब अपन यहाँ पर नीचे और भी कुछ देखेंगे भाई, अपन को कुछ यहाँ पर मिलता कि नहीं मिलता, और बाकी की चीज़ें इतनी ज़्यादा रेयर नहीं है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रेयर है भाई अपना करेक्टर वगैरह। तो अपन को भाई यहाँ पर स्काइलर करेक्टर भी परचेस करना है, तो मतलब मैं यहाँ पर परचेस करूँ या फिर ड्रैगी पेड परचेस करूँ, अब भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं क्या यहाँ पर परचेस करूँ। तो चलो मैं यहाँ पर स्काइलर परचेस कर लेता हूँ, तो भाई मैंने यहाँ पर स्काइलर करेक्टर भी परचेस कर लिया है। तो चलो अपन यहाँ पर चलते हैं मतलब मिस्ट्री शॉप से बाहर आते हैं, और सबसे पहले अपन देखेंगे भाई अपना, नहीं सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, अपना स्काइलर करेक्टर, और स्काइलर करेक्टर भी अपन यहाँ पर सारे कपड़े वगैरह पहनेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर स्काइलर को सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद में चलेंगे अपने लोकेश गेमर के बंडल पर। तो भाई ये रहा अपना यार लोकेश गेमर का बंडल, भाई कितना ज़्यादा रेयर बंडल है, और इंडिया सर्वर के अंदर भाई बहुत कम आता है, मुझे नहीं लगता कि भाई अभी तक आया या नहीं आया, वैसे आया है क्योंकि मेरे एक दोस्त के पास है। तो मतलब यहाँ पर बात करें बहुत ज़्यादा ओल्ड बंडल है, तो इसको अपन यहाँ पर ओपन करेंगे।
और चलो अपन यहाँ पर इसको पहन भी लेते हैं। तो अपन ने ओपन कर लिया और पहन भी लिया है। ओके तो भाई देख लो भाई, ये भाई लोकेश गेमर का बंडल और ये मेरा इमोट। लेकिन अभी अपन ने यहाँ पर और इमोट परचेस किए थे तो उनको अपन यहाँ पर इक्विप कर लेते हैं। और ये मेरा मतलब बात करूँ तो ये नॉर्थ अमेरिका सर्वर का मेरा एक नया अकाउंट है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ इस पर भाई बढ़िया बढ़िया कलेक्शन वगैरह भर लेते हैं। और एरा भाई अपना बैकपैक वगैरह, तो इसको भी शो इन लॉबी में ले जाते हैं और लॉबी में शो कर दें। ओके तो भाई देख लो, ये भाई अपना क्या बोलते हैं अपना बैकपैक, लोकेश गेमर का बंडल और उसी के साथ में अपने इमोट वगैरह। तो ये देख लो भाई अपने इमोट वगैरह और उसी के साथ में अपन ये भांगड़ा इमोट भी परचेस किया है, तो ये भांगड़ा इमोट भी देख लो। लेकिन अपन ने भाई एक और चीज़ परचेस की थी, बहुत ही भाई ग्लू बॉल का स्किन। तो अपन यहाँ पर देखेंगे अपना ग्लू बॉल, तो भाई ये अपना भाई रेयर ग्लू बॉल और अभी अभी इंडिया सर्वर के अंदर मिला था, यानी कुछ ही दिन हुए, ज़्यादा दिन नहीं हुए। तो ये देख लो भाई, ये भाई अपना ग्लू बॉल और अपन को भाई ग्रेनेड का स्किन भी मिला था इसके साथ में, भाई दिख रहा था पर दिया नहीं गया है। तो भाई देख लो भाई, अपन ने भाई कितने कम डायमंड यहाँ पर इन्वेस्ट किए और भाई उतने डायमंड में अपन को क्या कुछ मिल गया। तो आपको यार कभी कभी समझ में तो ऐसा आता होगा कि भाई जो गरेना वाले भाई इंडिया सर्वर के अंदर भाई बहुत ही ज़्यादा चीटिंग वगैरह करते हैं, और आपने यहाँ पर देख लिया कि भाई मेरा कितना कम डायमंड गया और कितने कम डायमंड में यार मैंने क्या क्या परचेज कर लिया। तो भाई आप यहाँ पर देख लो। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि यार आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आता तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं मतलब अगले वीडियो में, और अगर आप यहाँ पर इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मैं कभी कभार ऐसे वीडियो बना दिया करूंगा, 7 दिन में एक आध बार एक दो वीडियो ऐसे परचेसिंग के बना दिया करूंगा। क्योंकि भाई फ्री फायर के बहुत सारे ऐसे सर्वर हैं जहां पर भाई एक से बढ़कर एक रेयर चीजें वगैरह अवेलेबल हैं। तो आप किस सर्वर पे परचेसिंग का जो वीडियो देखना चाहते हो, भाई इस सर्वर पे मैं क्या परचेस करूं, मतलब कोई भी सर्वर हो आप बस वीडियो के कमेंट में बता देना, तो मैं आपका कमेंट पढ़ लूंगा और आपके उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यार बहुत बहुत धन्यवाद। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own.